So the new flagship Redmi Note 11 Pro Max is almost here, and if you are really thinking on your mind this phone is coming on a high price point like 30,000 to 40,000 rupees, so aisa kuch nahi hone wala hai because the official pricing going to be confirmed here, and this phone is coming on a 20,000 rupees, and this is the mid-segment price point phone, and confirm ye phone na as a best in value for money device hone wala hai because in this price point really you getting nice flagship specs in this time, because is phone ke na specs में बहुत सारे न्यू चेंजेस मिलेंगे एज कम्पेयर टू द चाइनीज वेरियंट, क्योंकि चाइना से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पेक्स इन इंडिया वेरियंट में मिलने वाला है बिकॉज बहुत सारे न्यू चेंजेस होंगे. लाइक रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स इज कमिंग ऑन अ न्यू ग्रेटर दैन एवर स्पैक्स. तो अगर आप लोग के माइंड में ये भी चल रहा है कि ये फ़ोन ना कुछ चाइनीज वेरियंट लाइक रेडमी नोट 11 प्रो प्लस के जैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे न्यू अपडेट्स मिलने वाले. तो अगर आप लोग इंडिया वेरियंट के बारे में जानना चाहते हो रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए. शुरू करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले इस फ़ोन के कंफर्म फ्लैगशिप स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड कंफर्म है ये फ़ोन एज अ बीस्ट फ़ोन होने वाला है बिकॉज दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ न्यू फ्लैगशिप स्पेक्स. सबसे पहले इस फ़ोन के कोर स्पेक्स लेस परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, एंड इस बार ना फाइनली रेडमी इज़ गिविंग द बेस्ट चिपसेट इन दिस फोन. लाइक एज अ इंडिया वेरियंट रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स इज़ रनिंग ऑन अ न्यू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G 12 5G चिपसेट, जो चाइनीज़ वेरियंट से बेटर होने वाला है बिकॉज चाइनीज़ वेरियंट में डायमेंसिटी का चिपसेट है जो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर इंडिया वेरिएंट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G 12 5G चिपसेट मिलेगा जो बेस्ट है बिकॉज दिस चिप इज़ बेस्ड ऑन अ 6 नैनोमीटर AI टेक्नोलॉजी, एंड इस फ़ोन के अंदर हाई क्लॉक स्पीड भी मिलेगा 2.6 GHz का. प्लस ये फ़ोन ना MIUI 13 पे रन करने वाला है जो न्यू UI होगा जो बेस्ड होने आने वाला है एंड्रॉयड 12 पे. डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, एंड दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ न्यू डिस्प्ले हियर, एंड रियली इस फोन के ना डिस्प्ले में बहुत सारे न्यू मेजर अपडेट्स है. लाइक दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ न्यू हाई रिफ्रेश रेट 120Hz एंड 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट जो बेस होने आने वाला है सुपर एमोलेड पैनल पे. 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज, फुल HD+ का रेजोल्यूशन, एंड HDR10+ का सपोर्ट जो एक न्यू अपडेट है. एंड फिंगरप्रिंट के बारे में बात करते हैं, रियली इस फोन के अंदर न्यू एंड फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, एंड सिंगल पंचोल फॉर सेल्फी, सेंटर पंचोल या फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर पंचोल मिल सकता है, पर कंफर्म नहीं अभी कि इंडिया वेरिएंट में कहाँ मिलेगा, पर ज़्यादा चांसेस सेंटर पंचोल. पर इस फोन के अंदर ना कर्व डिस्प्ले मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड. कैमरे के बारे में बात करते हैं, दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ न्यू क्वाड कैम सेटअप, एंड इस फोन के ना रियर में ना सेंसर्स में बहुत से न्यू चेंजेस है. लाइक दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ न्यू प्राइमरी कैमरा, सोनी का न्यू सेंसर मिलेगा 108 MP का, एंड सेकेंड सेंसर इस फोन के अंदर ना अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है 16 MP, एंड थर्ड सेंसर टेलीफोटो लेंस जो एक डेडिकेटेड जूमिंग सेंसर है, एंड इस फोन के अंदर ना जूमिंग क्वालिटी बहुत अच्छा मिलने वाला है 8 MP का एंड 5 MP डेप्थ सेंसिंग. एंड फ्रंट सेल्फी के बारे में बात करते हैं, तो इसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा डाउट है बिकॉज अभी 32 MP कन्फर्म है या फिर 44 MP, यही अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है कि सेल्फी इस फ़ोन के अंदर कौन सा मिलेगा. अगर 44 MP मिलता है तो ग्रेट सेल्फी होगा. कन्फर्म प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, एंड ऑलरेडी कन्फर्म है ये फ़ोन ना एज अ मिड सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे मिलने वाले. लाइक ये फ़ोन ना 19,999 के प्राइस पॉइंट पे मिलेगा जो स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB 128GB जो एक इनफ स्टोरेज वेरिएंट है, एंड इस प्राइस पॉइंट पे ना रियली इस फ़ोन के अंदर स्पैक्स ना फ्लैक्सिव लेवल मिल रहा. लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आप लोग स्पैक्स कैसा लगा इस फ़ोन का, क्योंकि मेरे को ग्रेट लगा क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ना ऐसा कुछ मिलना पहले इम्पॉसिबल था, बट फाइनली दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबल हियर, एंड मैं इस फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, ये सीरीज़ ना ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, बस इंडिया लॉन्च डेट अभी डिले चल रहा है. बस मतलब ये फ़ोन ना नवंबर के एंड तक ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, अगर डिले चलेगा तो ये फ़ोन ना दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आने वाला है, पर कन्फर्म है इस ईयर के एंड तक ना ये फ़ोन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लेट मी नो कमेंट सेक्शन आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस फोन के लिए. दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा ये वीडियो मेक से आप इस वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.